हरिद्वार में साइबर ठगों ने अब तक अलग अलग विभागों के कई अधिकारियों को अपनी ठगी का निशाना बनाया है। अब इन ठगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ये ठग जुडिशरी से जुड़े सीनियर अधिकारियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरिद्वार में सामने आया, जहां साइबर ठगों ने सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर हरिद्वार जिला न्यायालय में कार्यरत एक जज को ही चूना लगा दिया। मामले में ठगी का शिकार हुए जज की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं सिडकुल थाना पुलिस ने बताया कि जिला कोर्ट रोशनाबाद में एडीजे तृतीय के पद पर तैनात हैं, जो जज साहब ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि रविवार को उनके पास हाईकोर्ट के परिचित जज का पैसे ट्रांसफर करने का मैसेज आया। जज ने उन्हें तत्काल 1.5 लाख रुपए के गिफ्ट वाउचर ट्रांसफर करने को कहा। मैसेज भेजने वाले ने मीटिंग की व्यवस्था का हवाला भी दिया, इसीलिए उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया। बाद में पता चला कि हाईकोर्ट के जज ने किसी पैसे की कोई डिमांड ही नहीं की थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के साथ ठगी की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।